दोस्तों, मधुमक्खी दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है, लेकिन ये जितने खतरनाक होते हैं उतने ही मेहनती भी होते हैं। खतरनाक इसलिए कि इनके पास नुकीले डंक होते हैं, और अगर इसने अपना डंक किसी इंसान को मारा तो उसे भयानक दर्द होता है। और मेहनती इसलिए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मधुमक्खियाँ मीठा और स्वादिष्ट शहद बनाने के लिए जानी जाती है, जिसके लिए ये काफ़ी मेहनत करती है। ये मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार के फूलों का रस पीकर एक स्वादिष्ट शहद का निर्माण करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मधुमक्खियाँ हर साल लगभग 150 किलोग्राम शहद का निर्माण करती है। और अगर बात करें इनके परिवार की, तो इनके एक छत्ते में लगभग 20,000 से 50,000 मधुमक्खियाँ रहती है, जिसमें 500 से 600 नर मधुमक्खी होते हैं। और इस छत्ते में सिर्फ एक ही रानी होती है, जो इनसे आकार और ताकत में बड़ी होती है, और इसीलिए ये इन सब मधुमक्खियों पर राज करती है। जी हाँ दोस्तों, इस छत्ते में नर और रानी मधुमक्खी को छोड़कर सभी मधुमक्खियाँ वर्कर्स होती है, जो रानी के आदेश का पालन करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मधुमक्खियों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और रानी मधुमक्खी का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही रानी अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी मधुमक्खी एक बार में लगभग 2000 से 3000 अंडे देने में सक्षम होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मधुमक्खी छत्ते के एक खंड में एक अंडे दे देती है, जिसके बाद इन अंडों की देखभाल वर्कर्स मधुमक्खियाँ करती है। लेकिन दोस्तों, इन अंडों की भी एक अजब कहानी होती है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। वो ऐसे कि ये मधुमक्खी दो तरह के अंडे देती है, एक फर्टिलाइज और दूसरा अनफर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइज अंडे की बात करें, तो इस अंडे से रानी मधुमक्खी और मादा वर्कर्स मधुमक्खी का जन्म होता है। अगर बात करें रानी मधुमक्खी की, तो इसे रानी मधुमक्खी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होती है, यानी ये अंडे देने में सक्षम होती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों का जन्म होता है। और अगर बात करें मादा वर्कर्स मधुमक्खियों की, तो इन्हें वर्कर्स मधुमक्खी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती, यानी ये अंडे नहीं दे सकते। और अगर बात करें अनफर्टिलाइज एग की, तो इस अंडे से नर मधुमक्खी का जन्म होता है, जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। तो जैसे इनके अंडे 3 दिनों के हो जाते हैं, उसके बाद ये लार्वा में बदल जाते हैं, और जैसे ही ये लार्वा में बदल जाते हैं, उसके बाद ये वर्कर्स मधुमक्खियाँ इन्हें स्पेशल जेली खिलानी शुरू करती है, जिससे इनका विकास तेजी से बढ़ने लगता है। ये स्पेशल जेली बिल्कुल उसी तरह से तैयार की जाती है जिस तरह ये शहद बनाती है, बस इनमें कुछ फूलों का फर्क होता है। तो लगभग 3 दिनों तक ये सभी लार्वा को स्पेशल जेली खिलाती है, जिसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि इनमें रानी मधुमक्खी, वर्कर्स मधुमक्खी और नर मधुमक्खी कौन बनेगी। तो जैसे ही इन्हें इस चीज का पता चल जाता है, उसके बाद ये सिर्फ रानी मधुमक्खी बनने वाले लार्वा को ही स्पेशल जेली खिलाती है, जिससे उसका विकास तेजी से हो सके, और मादा वर्कर्स मधुमक्खी और नर मधुमक्खी को ये अपना शहद ही खिलाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके छत्ते पर सिर्फ रानी मधुमक्खी का ही राज होता है, और वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस करके परिवार की संख्या को आगे बढ़ा सकती है, और इसीलिए रानी मधुमक्खी वाले लार्वा को विशेष पौष्टिक भोजन खिलाकर ताकतवर बनाया जाता है।
तो जैसे इन लार्वा को 6 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद इन खंडों को मोम की परत से बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद लार्वा अंदर से प्यूपा बनाना शुरू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लगभग 16 दिनों बाद रानी मधुमक्खी मोम की परत को तोड़कर बाहर आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह रानी मधुमक्खी का जन्म होता है। और लगभग 22 दिनों बाद वकस मधुमक्खी का जन्म होता है और 24 दिनों बाद नर मधुमक्खी का भी जन्म हो जाता है, जिसके बाद ये कुछ ही दिनों में मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से मिलन कर ये अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो वकस मधुमक्खी का जीवन काल 6 हफ्तों का होता है, जिसमें ये अंडों की देखभाल, छत्ते का निर्माण, शहद का निर्माण और छत्ते की सुरक्षा जैसे कार्यों को अंजाम देती है। और अगर बात करें नर मधुमक्खी की, तो उसका जीवन काल 20 हफ्तों का होता है, जिसमें इसका सिर्फ एक और मुख्य काम होता है, और वो है रानी मधुमक्खी से मिलन करना, जिसके बाद नर मधुमक्खी की मौत हो जाती है, क्योंकि मिलन के दौरान ये नर अपना सारा स्पर्म रानी के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और अगर बात करें रानी मधुमक्खी की, तो उसका जीवन काल लगभग 5 वर्षों का होता है, जिसमें ये अपनी पूरी जिंदगी छत्ते पर राज करती है और नर से मिलन कर अपने परिवार की संख्या को बढ़ाती जाती है, और इस तरह छत्ते में रहने वाली सभी मधुमक्खियां एक रानी मधुमक्खी की ही संतान होती है। अब आप लोगों में बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक छत्ते में तो सिर्फ एक ही रानी होती है, लेकिन जब वो अंडे देती है तो उसमें कुछ रानी मधुमक्खियां भी पैदा होती है, तो फिर उनका क्या होता है? तो आपको बता दूं कि जैसे ही छत्तों में दूसरी रानियों का जन्म हो जाता है, उसके बाद वो रानियां एक एक करके छत्ते को छोड़कर चली जाती है, और उसके साथ कुछ वर्कर्स और नर मधुमक्खियां भी चली जाती है, जिसके बाद वो सभी कहीं दूर अलग अपना छत्ता बनाकर अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।